सिनेमा लवर्स बेसब्री से अपकमिंग फिल्म आर्टिकल 370 का इंतजार कर रहे हैं, जिसे प्रोड्यूस किया है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फेम डायरेक्टर आदित्य धर ने, जिसमें यामी गौतम और प्रिया मणि लीड रोल में है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है आदित्य जम्बाले ने। ये फिल्म जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी घोषित करने के पीएमओ के लिए टॉप सीक्रेट डिसीजन पर बनी है। 5 अगस्त 2019 में लिए गए इस डिसीजन के कारण देश भर में बड़े पैमाने पर जश्न मनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान से बढ़ते खतरे को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी कंडीशन को स्टेबल करने के लिए कश्मीर में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया था और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था। फिल्म आर्टिकल 370 की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसमें तमाम VIPs, अधिकारी, वरिष्ठ पत्रकार और इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया था। फिल्म की सफलता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि जिस तरह से फिल्म की स्क्रीनिंग पर भारी मात्रा में सभी वर्ग के लोग आए थे और दो सिनेमा घरों में फिल्म को एक साथ चलाना पड़ा था। फिल्म मुख्य रूप से दो मेन कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, एक इंटेलिजेंस एजेंट जूनी हक्सर जो यामी गौतम है, जिन्हें बाद में NIA को कश्मीर में लीड करने का काम दिया जाता है। दूसरी PMO की एक अधिकारी प्रिया मणि, जो NIA रेड्स को ओवरसी करती हैं और कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करती। फिल्म इतिहास को सटीक रूप से दिखाने और सरकारी प्रयास की सराहना करने के साथ साथ ये भी उजागर करता है कि कैसे सालों पहले भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी के एक सदस्य को कश्मीरी अलगाववादियों और कट्टरपंथियों को फंडिंग और मदद करके राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करते हुए देखा गया था, जिससे कश्मीर की स्थिति और खराब हो गई थी। आर्टिकल 370 एक केयरफुली रिसर्च की गई फिल्म है, जो सबसे जटिल तरीके से उस समय को बताती है जब हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी घाटी में इंटरनेट सनसनी बन गया था और बाद में भारतीय सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक छोटे से ऑपरेशन में उसे मार गिराया था। लेकिन उसके मारे जाने पर घाटी में भारी पथराव और बड़े पैमाने पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाती है। फिल्म उस ऑपरेशन को भी दिखाती है जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी समूह के कुख्यात आतंकवादी रियाज नाइकू को कश्मीरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस की हत्या करने के बाद मार गिराया था। फिल्म में की गई रिसर्च इस फैक्ट से दिखाई देती है कि कैसे भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के संविधान की स्टडी की और आखिर तक उन गलतियों को पकड़ा जिससे वर्तमान सरकार को आर्टिकल 370 को हटाने में मदद मिली। 1954, 1958 और 1965 के दस्तावेज एक पुराने सरकारी लाइब्रेरी से प्राप्त किए गए हैं। गुप्त रूप से दिखाया गया है कि कैसे जम्मू कश्मीर में सदर रियासत से मुख्यमंत्री तक का सत्ता में परिवर्तन हुआ था, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को चालाकी और अवैध रूप से रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। इससे कानूनी विशेषज्ञों के मन में क्लैरिटी आ गई थी कि भारत के राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए संविधान का इस्तेमाल करके कानूनी तौर पे जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मानकर अनुच्छेद 367 का उपयोग कर सकते हैं और आर्टिकल 370 को आसानी से हटा सकते हैं। आर्टिकल 370 के पात्रों में कश्मीर के दो शक्तिशाली राजनीतिक परिवार भी शामिल हैं। दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को खास किरदार में दिखाया गया है। इस फिल्म में एक व्यवसायी को हवाला आतंकी फंडिंग के मुखिया के रूप में काम करते हुए भी दिखाया गया है। पहली बार कश्मीर पर बनी फिल्म फैक्चुअली बताती है कि कैसे पाकिस्तान और भारत के बीच बार्टर सिस्टम में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बिलों को बढ़ाकर ट्रेड रूट का यूज करके पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में आतंक को स्पॉन्सर किया गया था। NIA ने 2017 से कई व्यापारियों और अलगाववादियों को गिरफ्तार किया है जो राजनीतिक संरक्षण वाले इस हवाला आतंकी नेटवर्क का हिस्सा थे। यामी गौतम और प्रिया मणि ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया है, साथ ही राजनीतिक और अलगाववादी की भूमिका में राज जुत्शी और सुमित कौल ने भी शानदार अभिनय किया है। फिल्म एंटरटेनिंग है और आखिरी तक आपको अपनी सीट से बांधे रखेगी। पुलवामा अटैक की घटना को बड़े भावनात्मक रूप से दर्शाया गया है, जिसमें 40 से अधिक CRPF के जवान देश के लिए शहीद हो गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान में बालाकोट स्ट्राइक हुई थी।
फिल्म बहुत महत्वपूर्ण रूप से संसद की कार्यवाही को भी दिखाती है, जिसमें गृह मंत्री और विपक्ष के नेता निर्णय पर मौखिक बहस करते हैं, जिसके आखिरी रिजल्ट में सरकार विधेयक पारित करने में सफल होती है। आर्टिकल 370 सिर्फ एक एंटरटेनिंग फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री है, जिसे हर भारतीय को आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के फैक्ट्स को जानने के लिए देखना चाहिए, जिसने कश्मीर में अलगाववाद को समाप्त कर दिया है और इसे शांति और स्थिरता की राह पर ला दिया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि मैंने सुना है कि अभी इस हफ्ते 370 पर फिल्म आ रही है, अच्छी बात है, लोगों को सही जानकारी मिलेगी। बहरहाल मैं इस फिल्म को आउट ऑफ 5 3.5 स्टार्स दूंगी।